अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, की हाल चाल है? ठीक है, तबीयत मिजाज ठीक है, उम्मीद है सारे भैन भरा ठीक होवोगे। अज जनाब तुहानू असीं दिखा रहे हैं कि फसल की कमाद की फसल किवें तैयार हो जाती है, फिर उसका किस तरीके नाल इहदा डिस्पोजल करदे ने, किवें इहनू इहदी कटाई करके ते इहदी फिर गन्ने की छिलाई करदे ने, उस तो बाद लोड होकर यह पहुँचता फिर शुगर मिलों तक। ठीक है जी, असीं जनाब अज इत्थे आए हुए हैं पीर महल के इलाके जी, इलाका पीर महल का। यह गन्ने की फसल है माशाल्लाह जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का कमाद बन लगा हुआ जी। तो ये तो साल की फसल होंगी है जी। ठीक है, यदि बिजाई का निज़ाम तुम यह गन्ना देख रहे हो, ये छोटे छोटे पीस करके ना तकरीबन इन दो दो अखा होंगे, अखा बनिया होंगे, तो वो लाजमी होनी चाहिए। तो तुम मैं दिखा रहा नज़दीक तो ना कि अख कहू जी, ए नज़र आ रही तुम जी, एन अख कहें जी। ठीक है, ये कम अज़ कम दो यानी कि इतों कट के ना इनू काश्त करते हैं, हल शल वाह के चंगी तरह जमीन तैयार करके ना तैयार करते हैं जी। ये फिर पशु तो काफ़ी मेहनत करनी पैंती है, गोडी शोडी अगर सारा कुछ तक घर ना चढ़े, तो ये जनाब उस तो बाद हाँ जी, जब फसल तैयार होंगी ना फिर ये कटाई करते हैं जनाब। ए गन्ना जनाब कटाई होया पे, बल्कि यदि छिलाई भी हुई पी है, और सामने खड़ा जी, ये ना उतरे उतला हिस्सा इन आग कहें पंजाबी जबान च। ठीक है ना, इन कटाई करके आग अलहदा करके फिर इस गन्ने के उत्ते कहें खोरी। ठीक है, ए जी ए खोरी है, ये उत्तों ना दाती ना इन हटा दें, बल्कि दाती नहीं एक स्पैशल होंगी है, हम पड़छी पता नहीं की लोग लफज इस्तेमाल करते हैं, वह दंदे नहीं होंगे, वह इन साफ कर दे जी। ठीक आज आए सी इधर, मैं क्या तुम जनाब गन्ने की फसल बारे दस दें, ये बहुत ज़्यादा काश्त होंगे इस इलाके सामने तो नज़र आ रहा है। अज काफ़ी सीजन शुरू है हम क्रशिंग का, क्रशिंग हो रही है मिलों, देखो जी सारे इलाके इतने कपाह होंगी नहीं बिल्कुल ही, एवं बस ना होने बराबर है, शौके तौर पर लोग बीजते हैं गंदम झोना, जो चावल जोड़े है झोना कहें पंजाबी, झोना तो कमाद, ये तीन फसल इतने बहुत ज़्यादा होंगे जी, पानी थले तो बहुत मिठे इस इलाके के फसल एवं छाल मार दी हो जी। तो अच्छा, यदा फिर यह है कि अपने घर वास्ते गुड़ बनाना हो ना इस तरह कमाद की छिलाई करके, तो फिर जनाब वेलने लाए होंगे अपने कित सैड तो गया, तो मैं वेलना भी दिखावा जो लगा हुआ, उस गुड़ बनता भी दिखावगा। ठीक है जी, माशाल्लाह डेरे है जी, आबादी है तो ठीक है जी, तो वो फिर ना ये रस कढ़ के ना कढ़ाया बनाया हों, लोहे का हों कढ़ाया बनाया जी, वो फिर बड़ी क्या टेक्निकल तरीका है, चूमा बनाते खास स्पैशल तरीके, हर बंदा चूमा नहीं बना सकता, स्पैशल बंदे जिन्होंने पता हों चीज़ का चूमा कितना बनाना, चूमा बनाते फिर वो तो रस में गर्म करते कर दे, मसाले मसूले भी पाते मैल मूल उतार के, फिर जो तैयार हो जाता पक जाता फिर लकड़ का बनया हों कहते गंड, गंड जनाब वो फिर पाँदे आ, तो उस तो बाद जो थोड़ा ठंडा हों तो फिर ये पेशियां बना के ना गुड़ तैयार कर दे जी, वो तुम दिखावे इंशाला कि गुड़ बनता होया ना। आज तुम सिर्फ कमाद की फसल दिखाई है, तो थोड़ा जहा इस एरिया की भी तुम तारफ हो गया है। जिला टोबा टेक सिंह जी, तहसील पीर महल, पिंड हैगा वी चक जी, अगर गाफबे भी है, मैं सही पूरा नहीं पता, मतलब वी चक मशहूर है जी। ठीक है, नाल ही पिंड है, यह तो नज़र आएगा इस साइड तो सामने तुम टैंकी नज़र आ रही है उस पिंड की जी, सामने दूर काफ़ी दूर है, इतों दो तीन बरबे सफर है। ठीक है जी, बरसन पट्ठे जी, ठीक है बीजे हुए कणक, देखो ना अभी हूँ हालांकि साढ़े इलाके से कणक काफ़ी वाहवा वड्डिया हुई तैयार हुई, लेट बीजी हुई कणक के बावजूद बेहतरीन उगी हुई है जी। इस मौसम साढ़े पास रौनी तो कणक नहीं बीजते, बल्कि गप शट वगैरह कर देंगे ने, जना बड़ा बेहतरीन सिस्टम आ। मेन जो पहले तो मैं अर्ज कर गया कि भाई जानते इतने मेन मसला ना वो है पानी वाला, पानी बहुत अच्छा मिठा पानी थले का, ठीक है नहर का पानी भी चंगा इत। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल तक कोशिश करें, कल ना कल तो दिखावे जनाब असी गुड़ बनता हो, गुड़ बनाते इतने लोग शौक ना, बड़ा जबरदस्त किस्म का।
इंशाल्लाह मुलाकात करांगे अगली वीडियो। इजाजत दियो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।